दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, जिसे देखकर अब दर्शक भड़क गए हैं। जी हां, स्टार प्लस के फेमस शो अनुपमा में इन दिनों काफी ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पाखी अधिक के कारण अपनी मां को ही अपना दुश्मन मान बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर अधिक लगातार अनुपमा को घर वालों की नजरों में गिराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पाखी की आंखों पर पड़ा अधिक के प्यार का पर्दा हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब हाल ही में रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर शो का एक नया प्रोमो वीडियो सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो को देखकर फैंस का भी दिमाग खराब हो गया है। स्टार प्लस के इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए अनुपमा के इस लेटेस्ट प्रोमो वीडियो में देखने को मिल रहा है कि पाखी एक दिन घर से लापता हो गई है और इसका आरोप अधिक अनुपमा पर लगाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अनुपमा अधिक से सवाल करती है कि आखिर कहाँ है पाखी, तो इस पर अनुपमा को ही गुस्से में ताना मारते हुए अधिक कहता है, ये सवाल आपको मुझसे नहीं खुद से पूछनी चाहिए। पाखी ने कई बार आपसे कहा था कि अगर आपने मेरी मैरिड लाइफ में दखल देना बंद नहीं किया तो मैं कुछ ऐसा कर लूंगी कि पछतावे के अलावा आपके पास कुछ और नहीं बचेगा। अनुपमा के लेटेस्ट प्रोमो वीडियो में देखने को मिल रहा है कि अधिक सभी घर वालों को अनुपमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा और वो कहेगा कि उन्होंने ही उकसाया था पाखी को हमारा घर छोड़ने के लिए। याद रखिए, माँ हमेशा अपनी बेटी का घर जोड़ती है, मुझे तो डर है कि पाखी कहीं कुछ कर न बैठे। अब इस पर अनुपमा के इस लेटेस्ट प्रोमो को देखकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। प्रोमो देखकर एक यूजर ने लिखा, पता नहीं इस शो को अवार्ड कैसे मिल जाता है, टोटल बकवास शो बना रखा है। राइटर भांग के नाश्ते में स्टोरी लाइन लिखता है, शायद कब क्या दिखा रहा खुद को भी नहीं पता होगा। एक ओर ये शाह का अफेयर खत्म नहीं होता तो दूसरी ओर अनुपमा की मेहनत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं एक ने लिखा, मैं बहुत फालतू थी कि 2 साल अनुपमा को देखने में वेस्ट कर दिया। तो वहीं एक ने लिखा, हद हो गई इस शो की, डिस्गस्टिंग हो गया है अधिक पाखी का ट्रैक। वहीं एक ने लिखा, ओ थैंक गॉड मैं बहुत दिनों से शो नहीं देखती। वहीं एक ने लिखा, बकवास सुपर बकवास, इसलिए मैंने वो हर जगह अनफॉलो किया जहाँ अनुपमा शो का क्लिप दिखता है, अब स्टार प्लस को भी अनफॉलो करना पड़ेगा। वहीं एक ने लिखा, बस इन्हीं नौटंकियों की वजह से हर हफ्ते शो की TRP गिरती जा रही है। वहीं एक ने लिखा, प्लीज़ ये अनुपमा के पागल बच्चों का दिमाग ठीक करो, किसी न किसी बच्चे को दौरा पड़ता ही रहता है। वहीं एक ने लिखा, प्लीज़ घटिया शो जल्दी बंद करो। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।